स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। तो बाबा ने शादी कहां तय की है भाई? श्याम जी सक्सेना के बेटे आदर्श के साथ। खुशखबरी सुनाओगी तुम? हुआ वो लौंडा जो है लाला के बेटे के साथ हमारी बिटिया का रिश्ता तय कर रहा है। तुमको बहुत अच्छा लग रहा है? हम तो ये सोचे कि अरे आलोपी मैया की कृपा हो गई, सुधर गया लौंडा, लेकिन बह गया है, परम चढ़ा है उसको, परम चढ़ गया है। बंद करो अंकल घंटी। कृष्णा, ए किशनवा, ए किशनवा। अरे उन लौंडिया के चक्कर में पगलाया गया है ससुरा। अरे तुम्हारी अम्मा को तो अच्छा लग रहा है ना? सब कुछ तय हो रहा था, ये बहुत खुशी से चुपचाप देख रही थी। उस समय कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन लौंडिया के चक्कर में तुमको ले जाए के श्याम सक्सेना से ब्याह दे। साला अजय, इस साला की आज बताते हैं उसको, ठाकुरों की लड़की देगा लाला में। ठाकुरों की लड़की कैस्टों में देगा ये? हाँ, देख। ए कहाँ है तू? ए किशनवा, कहाँ है? ए मत छोड़ दे मत छोड़। आज देखते हैं। अरे सुनिए, रुक जाइए। अरे छोड़ दीजिए। वो आप बिना बताए चले गए थे और इतनी देर बाद लौटे, इसीलिए सब बहुत परेशान है। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? इस दुनिया में हर चीज की वजह नहीं होती है, कुछ चीजें बेवजह भी होती है। आखिर क्या जरूरत थी कि वो कृष्णा जैसा राक्षस तुमसे शादी करने के दावे करता रहा और तुम मान भी गई? कृष्णा के लोग बेवजह ही तो हमारे पीछे पड़ गए ना। इस दुनिया में इंसान जो चाहे जरूरी नहीं वैसा ही हो। जैसे कुछ लोगों की किस्मत बेवजह ही दूसरे लोग तय करने लगते हैं, जैसे तुम्हारी किस्मत कृष्णा और उसका बाप सज्जन सिंह तय कर रहे हैं। अबे देख कर रहे हो, अबे चपक के खाओ, ऐश करो, अब तो रोज पार्टी। क्या हुआ भैया, तो खास बात है का जिनसे छुपा ही रहे हो इतनी खुशी का लिए? अबे तो का तुमका नहीं मालूम? अरे अब हमरे साथ साथ हमारी बहन की भी शादी, थोड़ी खुशी। कब? वो किसके साथ है भैया? अबे चंदू दो दावत।
अबे और किसके साथ? वो हमरा सलवा है ना, आदर्श। पानी भी नहीं पिया उसने। कुछ कहा आदर्श ने? कुछ बताया उसने कहां गया था? पानीदार है वो, आज वो पानी में आग न लगाए थे ना, गुरसज्जन सिंह नाम ना हमरा। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बात क्या है, कुछ हमें भी बताएंगे आप? आप पूछ रहे हो? अम्मा, अबे लाला बुद्धि हमारे साथ मत चलना, तुमको बता दिया कि 36 लाला एक मूली न उखाड़ पा रहे, तुम यार हमसे ठाकुर सज्जन सिंह से मोहड़ा लेने पे आमादा हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अभी दिखाया नहीं है, अभी दिखाना बाकी है, जब दिखाएंगे तब पता लगेगा कि का देखा। देखना ए! चल अबे चल ससुर। लेश की जात अरे ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्या किया है हमारे आदर्श ने? क्या बे ससुरा, तो हमारी लड़की से शादी करना चाहता है? हमारी लड़की से? देख लो अम्मा शादी। सोचा कैसे बे तुम? कैसे? कैसे सोचा? इतनी हिम्मत हिम्मत कहां से आ गई? खून में गर्मी अम्मा, खून में गर्मी गर्मी आ गई है साला। हमारी लड़की से शादी करने की सोच रहा तो बहुत खूब। ठाकुर साहब, आपकी आग दूसरों के घर जला दे, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों की जरा सी भी गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं, ना ही हमने बंदूकें तानी और ना ही आपके घर पे गुंडे ले जाके बदतमीजियां की, तो फिर हमने ऐसा क्या किया जो आप इतने भड़के हुए? बस वही जो आपका बेटा कर रहा है, जब आपका बेटा हमारी बहन से शादी कर सकता है तो हम आपकी बेटी से शादी क्यों नहीं कर सकते?
इसलिए कि तुम कायस हो, कायस। हम ठाकुर ठाकुर हैं, हमारा बराबरी मत करना, मत बराबरी मत करना। क्यों? आपका बेटा भी तो कायस्थों की बराबरी में आ गया है ना। तभी तो हमारी बहन को पसंद किया है उसने। लेकिन अब आपको भी अपनी बेटी इस घर में देनी पड़ेगी। तभी आप अपनी बहू इस घर से ले जा पाएंगे। अगर आपका इस समाज में रुतबा है, इज्जत है, तो हम भी इसी समाज में रहते हैं। हमें भी लोगों को मुंह दिखाना है। हम कोई बेटी बेचवा नहीं है। जो आप आए और हमारी बहन को उठा के ले गए, कल को लोग आके तरह तरह की बातें करें तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि आप बड़े लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं कि रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए। लेकिन ये बात आपका बेटा नहीं समझ पाया, लेकिन हम समझते हैं, इसीलिए ये शर्त रखी है। हम ये नहीं चाहते कि कल को हमारी बिरादरी वाले आके हमसे कहें कि कायस्थों के बेटे मर गए थे क्या, जो ठाकुरों को अपनी बेटी दे दी। इसीलिए बराबरी होना जरूरी है, और वो बराबरी होगी आपकी बेटी से शादी करके। तब आप भी हमारी बिरादरी की औरत को इज्जत की नजरों से देखेंगे, और हम भी दोनों अपनी इज्जत का ख्याल रखेंगे। एक कायस्थ की लड़की अगर ठाकुर कहलाएगी, तो एक ठाकुर की लड़की भी कायस्थ के घर आकर बिरादरी की इज्जत बढ़ाएगी। मुंह बंद रख, कल का लौंडा बिरादरी का पाठ सिखाएगा बेटा। लाला बुद्धि न चलाओ, ठाकुरों के सामने न चलाओ, समझे कि नहीं तुम आशको? अरे नहीं चलती है तो हम और आप मिलके चलाएंगे, क्योंकि जो बात सही है वो है। फिर भी लोग अगर उसे नहीं मानते तो उसे चलाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अगर आप हिम्मत कर सकते हैं कायस्थ लड़की को अपने घर की बहू बनाने में, तो आपको भी अपनी बेटी को कायस्थ परिवार में भेजने की हिम्मत दिखानी होगी ठाकुर साहब। वे हम तुमरे घर पे बिटिया का हाथ मांगने का चले आए, तुम हमको उसूल पढ़ाए रहे हो? हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम तो बस बता रहे थे कि बराबरी का रिश्ता क्या होता है। सुनो बेटा, तुम कहोगे तो हम तुम्हारी शर्त मान जाएंगे। अबे कायस्थ नहीं ना कि तुम्हारी शर्त मान जाएंगे, ठाकुर हैं, ठाकुर ठाकुर
शर्त मानते नहीं बेटा, मनवाते हैं। तुम शर्त लगाए हो ना बेटा, भूल जाओ। हम किसी की नहीं सुनते, ठाकुरों की लोग सुनते हैं और सुनना पड़ेगा। समझो बेटा। तो अपने बेटे से भी जाके कह दीजिएगा कि हमारी बहन को भूल जाए और हम लोगों को शांति से जीने दे। आप अपने बेटे की शादी कहीं और कर दीजिए, हम अपनी बहन की शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन अगर हमारी बहन से शादी करनी है तो पहले आपको अपनी बेटी से हमारी शादी करनी होगी। एक बात और सुन लियो, हम अपने बेटे को काट के फेंक देंगे लेकिन अपनी लड़की कायस्थों में नहीं देंगे, जान लियो ना। बेटा ये क्या तरीका है, बिना बताए कुछ भी करोगे तुम? पापा, प्रतिज्ञा को उस घर में भेजने से बचाने का यही तरीका था। हम जानते हैं इन ठाकुरों की नाक बहुत बड़ी होती है, ये दूसरों की बहू बेटी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। लेकिन जब इनकी खुद की इज्जत पे आती है तो ये लोग बौखला जाते हैं। पापा, वो अपनी बेटी का गला काट के फेंक देंगे लेकिन इस घर में कभी शादी करके नहीं भेजेंगे वो। अब बस देखना ये है कि भूलते कैसे हैं वो हमारी बहन को। अब भूल जा बे, भूल जा लौंडिया को, समझे? जीते जी बाप को खाओ मत। हे बाऊजी, एक कब से सुन रहे एक ही बात रेले जा रहे हो, भूल जा लौंडिया को। ऐसे कैसे भूल जाए बताओ? अरे एक बात समझाए, लौंडिया नहीं हमारी प्रतिज्ञा जी। किसना है हम तो हमारी राधा है और प्यार है ही, कौन हलवा नहीं है कि खाए और भूल गए। नहीं भूलते जाओ, नहीं भूलते हम। गंगा जल ही उठा लिए हो कि बहन की शादी कायस्थों में जाके कर दोगे? तो ये तो क्या हुआ, तो जब कायस्थ की बेटी यहाँ आ सकती है तो हमारी बहन कहीं नहीं जा सकती, बताओ दिक्कत क्या है? हम इतना साफ बता दे रहे हैं, बेटी के बदले अपनी बेटी नहीं देंगे, बस।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।